राधे राधे, अभी मेरा थोड़ा गला खराब है। आप सभी का सिस्टर के संसार में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल का शुरुआत हो रहा है गुजराती लोगों के माध्यम से, गुजराती के माध्यम से। अब यूपी बिहार के अदर स्टेट का बाकी है, जो कि वो लोग साल बदलते ही हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, और गुजराती गुजरात में लोग दिवाली के सुबह ही हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। तो उन सबको दिल से हैप्पी न्यू ईयर। और मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था रात को, ये देखिए तेल लगाए से पता चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था ना, बहुत कमजोरी महसूस हो रही, तो मुझे ऐसा लगा था कि सिर्फ मुझे हुआ है, नहीं मेरे आसपास 3-4 लोग रहते हैं, सबको हुआ था ऐसा लग रहा था। तो बाद में मुझे ऐसा लगा ना, ये पटाखे जो उड़ा रहे हैं ना, उसके धुएँ हम लोग सूंघ लिए होंगे ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि सिर्फ मुझे अगर होता ना, तो मैं मान लेती कि मेरे अंदर कुछ कमी होगी, इसके वजह से हो रहा है। मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, ये देखना, ये ना इसके अंदर खाली जगह है, इसके अंदर खाली जगह है। जितने भी मतलब मतलब गैस का वो रहता है ना, सब इधर से ऊपर निकलता है। तो रात को ना लोग पटाखे जला के इसके अंदर फेंक रहे थे। अब वो धुएँ थे, हम दरवाजे बंद किए होते, रात भर लोग पटाखे उड़ाए, वो धुएँ थे, वो रूम में आया, वो सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन के तौर पर लिए हैं, इसके वजह से तबीयत खराब है। कोई समझता ही नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि आप ये कर दो वो कर दो तो हम पटाखा उड़ाना बंद कर देंगे। नहीं बंद करेंगे, बिना पटाखे की दिवाली कैसे मनेगी। अगर ऐसी परिस्थिति जो पटाखे उड़ा रहे उनके परिवार के साथ हो तो शायद वो समझेंगे, लेकिन रियलिटी यही है दोस्तों कि पटाखे ना उड़ा जाए तो ही सही है। बच्चे मान नहीं रहे, बच्चे के तो बच्चे का बाप भी नहीं मान रहा है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखते हैं, 400 बच्चे के बाप उड़ा रहा है, बोल रहा है बिना पटाखा की दिवाली हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो एक दिन देखना, दिवाली में पटाखे कम और दिवाली की सुबह इंसान मरना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये हालत मुझे इसके पहले कभी नहीं हुई थी, इस बार हुआ है, और इस बार महसूस हुआ है कि हाँ सच में पटाखा बहुत खतरनाक है। और पटाखे तो हम लोग उड़ाते नहीं, आज नहीं कभी से, पटाखे से डर लगता है। और छुरछुरी ऐसे नहीं उड़ाते, क्या उड़ा रहे, क्यों उड़ाएंगे, जब ये चीज़ सही नहीं है तो इसमें क्यों पैसा डालें। इसी में यही तो है, लोग गलत जगह पैसा डालते हैं, उसके बाद बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं, मैं अमीर नहीं बन पाता, मेरे पास ज़रूरतों के लिए पैसा नहीं। यार यहाँ से पैसा बचाएंगे तभी पैसा बनेगा। अब फिर तक इसमें दोस्तों तबीयत खराब है, कल तक पटाखे लोग उड़ाए, क्योंकि दिवाली 2 दिन लगी थी इसलिए। तो कृपया करके पटाखे ना उड़ाए, हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग नहीं उड़ाते, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन हम दोनों के नहीं उड़ाने से ऐसा तो नहीं हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे लोग उड़ाते हैं तो पड़ेगा। जिस दिन घर के बड़े समझ गए ना, बच्चे ऐसे ही समझ गए कि पटाखे नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन बड़े समझ ही नहीं रहे हैं। उनको एक चीज़ पड़ी है, क्यों बिना पटाखे के, क्यों भाई, दिवाली हम पूजा करके, मिठाई बांट के, प्रसाद बांट के, अच्छे कपड़े पहन के, दिए जला के नहीं मना सकते। दीपावली किस लिए जानी जाती है, दियों के लिए जानी जाती है। लेकिन हम लोग मॉडर्न ज़माने में पटाखे उड़ाएंगे। चलिए ठीक है, जिसकी जैसी मर्जी, पर भाई पटाखा उड़ाया तो नहीं, तो तबीयत ख़राब है। मैं यही सीख दूँगी कि आपके परिवार तक ना पहुँचे, इससे अच्छा है कि आप पटाखे आप मत जलाइए, मत जलाइए, मत जलाइए, ठीक है। आज मैं घर पे हूँ, आज हैप्पी न्यू ईयर, इसलिए छुट्टी है। बहुत सारे लोग आज घूमने जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि तबीयत भी खराब है, और थोड़ा पैसों की इशू भी है इसलिए। तो आप लोग जहाँ भी रहे स्वस्थ मस्त रहे, और आप भी घूमने जा रहे हैं तो अच्छे से घूमने जाइए, इंजॉय कीजिए, फिर अपने घर पे आइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो।